रात के लगभग 9 बज चुके हैं और फ्रेंड्स ये मैं स्पेशल 9 बजे आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड मान लीजिए जो चोर वगैरह होते हैं वो सुबह मॉर्निंग टाइम 4:30 के लगभग शॉप में एंटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो उस टाइम किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती। देख लीजिए मैं धीरे धीरे शॉप में एंटर कर रहा हूँ और इसकी आवाज़ फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में भी आप इसको सुन पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसे डिवाइस की जानकारी शेयर करूंगा जिसको कि अगर आप अपने घर, दुकान या गोदाम में लगवा लेंगे तो 1% भी चोरी होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि चोर की टांगें कांपेंगी अगर आपके घर, दुकान या फिर गोदाम में एंटर हो गया। ये डिवाइस बैंकों में भी यूज़ किया जाता है सेफ्टी के लिए। इस डिवाइस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो के सारे स्टेप ध्यान से नहीं सुने कि किस तरह से इसको लगाना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप चाहे प्रोडक्ट मंगवा भी लें तो भी आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अक्सर हमें किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए घर को लॉक लगाकर जाना पड़े या फिर 2-3 दिन या ज़्यादा दिन की छुट्टियां मनाने जाना हो तो हमारे मन में यही डर होता है कि कहीं बाद में घर पर चोरी ना हो जाए। या फिर कई बार तो हम कीमती सामान के चोरी होने के डर से हम जाना भी कैंसिल कर देते हैं। और जो भी शॉपकीपर मेरी इस वीडियो को देखे तो आपको पता है कि दुकानों पर काफ़ी कीमती सामान होता है ज़्यादातर, और रात में चोरी होने का डर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि आजकल के चोर भी समझदार हो गए हैं। अगर आपने CCTV कैमरे लगवाए भी हों तो भी साथ में चोर DVR चुरा कर ले जाते हैं ताकि कोई सबूत ही ना बचे। लेकिन आज मैं आपके साथ जिस डिवाइस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, अगर ये आप अपने घर, दुकान या गोदाम जहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप लगा लेते हैं, तो चोर जितनी स्पीड से अंदर घुसेगा उससे 10 गुना स्पीड से वो वापस भागेगा। लेकिन आप एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ 5 जरूरी स्टेप शेयर करूंगा जो कि आपके लिए सुनने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्टेप नंबर 1, फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा, एक तो इस डिवाइस का और सेकंड एक हूटर का। तो जैसे ही आप लिंक से पहुंचेंगे हूटर वाले लिंक पर, तो वहां पर आपको 2 तरह के हूटर दिखाई देंगे, एक तो कम रेट में होगा एक ज़्यादा रेट में। तो कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाते हैं और कम रेट वाला परचेज कर लेते हैं ये सोचकर कि ये दोनों एक जैसे हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि जो सस्ते वाला हूटर है जिस पर कि लिखा हुआ है 12 वाट DC, तो वो DC लाइट पर चलता है। अगर आप इसको मंगवा लेंगे, लाइट से कनेक्ट करेंगे, तो साथ के साथ ये डिवाइस आपका जल जाएगा। और जो फ्रेंड्स ये महंगे वाला है 897 फिलहाल इसकी कॉस्ट है, लेकिन ये रेट इन फ्यूचर कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपने मंगवाने से पहले यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसमें 220 वाट यानी कि AC लाइट पर चलने वाला ये है या नहीं, क्योंकि गलती से आप DC लाइट वाला मत परचेज कर लें। और इसको ओपन करके जैसे ही आप इसको परचेज कर लेंगे और इस डिवाइस को परचेज कर लेंगे, इस डिवाइस और हूटर को मंगवाने के बाद आपने इन्वर्टर से इस डिवाइस को लाइट का कनेक्शन दे देना है। लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर से देने का बेनिफिट ये होगा कि बाय चांस अगर चोर लाइट की वायर को कट भी कर देगा तो भी ये आपका डिवाइस जो है वो वर्क करता रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें इस तरह के कनेक्शन हैं, यानी कि एक कनेक्शन आप लाइट से इसको देंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से आप हूटर को कनेक्ट कर देंगे। उससे होगा ये कि अगर कोई भी चोर आपकी दुकान, घर या फिर गोदाम में घुसने की कोशिश करेगा तो साथ के साथ इतनी जोर से हूटर बजना शुरू हो जाएगा कि चोर को हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप लाइट की सप्लाई इन्वर्टर से इस डिवाइस को दोगे तो उस सप्लाई के बीच में आपको एक सीक्रेट स्विच लगवाना है। उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि कभी भी आपको इमरजेंसी में इस डिवाइस को ऑफ करना हो तो आप उस स्विच से इसको ऑफ कर सकते हो। या फिर दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आपको इस डिवाइस को एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट हो तो उस स्विच से आप इस डिवाइस को ऑन करके जा सकते हो। मान लीजिए आपने घर से कभी जाना है, कभी कभी आप प्रोग्राम अटेंड करते हो, किसी शादी के प्रोग्राम में आपने जाना है, तो उस दिन जाते वक्त इस डिवाइस को एक्टिवेट कर जाइए, उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, फ्रेंड्स इस डिवाइस में 2 सेटिंग दी हुई हैं, एक तो है
टाइमर की सेटिंग और दूसरी है डे एंड नाइट की सेटिंग। टाइमर की सेटिंग में आप 10 सेकंड से लेकर 7 मिनट की टाइमिंग सेट कर सकते हो, यानी कि ये हूटर को कितनी देर तक एक्टिव रहे उसको लाइट की सप्लाई देता रहे, ठीक है। नॉर्मली शॉप के लिए ये 10 सेकंड भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो इतना लाउडली बजता है हूटर। मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। और अगर हर भारतीय अपनी दुकान में इस डिवाइस को लगवा ले, यानी कि हूटर और ये दोनों मिलाकर सिर्फ 1500 रुपये के आते हैं और 1% भी चोरी होने का डर दुकान में बिल्कुल नहीं रहेगा। और जो दूसरी सेटिंग है फ्रेंड्स डे एंड नाइट की, तो उसका बेनिफिट आपको ये रहता है कि अगर आप एरो के मार्क को डे की तरफ करके रखते हो तो ये डिवाइस दिन और रात दोनों टाइम काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको नाइट मोड पर रखोगे तो ये सिर्फ अंधेरे में ही काम करेगा। मान लीजिए आप रात को शॉप को क्लोज करके चले गए तो उसके बाद ये फुल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसको नाइट पर करते हो आपको कुछ भी ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दुकान में किसी बल्ब की ट्यूब की या फिर डे टाइम में जैसे सूरज की रोशनी आती रहेगी तो उस टाइम ये करंट नहीं छोड़ेगा हूटर को और हूटर नहीं बजेगा जिस तरह से मर्जी आपकी शॉप में कोई भी आता जाता रहे। लेकिन अगर रात में जैसे आप चले जाते हो सारी लाइट्स वगैरह बंद करके फुल अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम अगर कोई दुकान का शटर तोड़कर किसी भी वॉल को तोड़कर दुकान में एंटर हो गया तो ये फुल जोर से अलार्म यानी कि उस हूटर को बजाना शुरू कर देगा। फोर्थ स्टेप, तो फ्रेंड्स चौथा स्टेप हमारा ये है कि आपने इस डिवाइस को घर दुकान या गोदाम में उस जगह पर लगाना है यहां पर आपको लगे कि इस एरिया से कोई भी चोर शॉप गोदाम या फिर घर में एंटर हो सकता है, यानी कि सबसे सेंसिटिव एरिया। अगर आपके घर दुकान या गोदाम में एक से ज्यादा आपको सेंसिटिव एरिया लगे तो आप एक से ज्यादा भी इस डिवाइस को लगा सकते हो। बैंकों में इस तरह के 10-10 डिवाइस लगे होते हैं सिक्योरिटी के लिए। फिफ्थ स्टेप फ्रेंड्स, ये डिवाइस किसी भी चूहे वगैरह के हिलने जुलने से नहीं चलता, ये सिर्फ किसी भी बड़ी चीज के हिलने जुलने से, जैसे ह्यूमन काओ या फिर कोई भी जैसे डॉग मान लीजिए, इतनी बड़ी चीज अगर कोई रात के अंधेरे में आपके वहां हिले जुलेगी थोड़ा सा भी हिलेगी एंटर करेगी इसकी रेंज के एरिया में तो ये फुल लाउडली हूटर को बजाना शुरू कर देगा। लेकिन इस डिवाइस को लगवाने से पहले आप दो चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहली किसी इलेक्ट्रीशियन से ही इसकी फिटिंग करवाना, क्योंकि फिर आपको किसी भी शॉक वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा। सेकंड, जो इसका सीक्रेट स्विच आप लगवाएंगे उसके बारे में आपको खुद के अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ताकि गलती से भी उसको बंद करके कोई इसको डीएक्टिवेट ना कर दे। फ्रेंड्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस डिवाइस और हूटर का लिंक मिल जाएगा और मात्र 1500 रुपये के आसपास ये दोनों डिवाइस लगवाकर आप अपने घर दुकान या गोदाम को फुल सिक्योरिटी दे सकते हो। बाकी भाई मर्जी आपकी है, क्योंकि पैसा खर्च कोई नहीं करना चाहता लेकिन सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपका कोई भी इस डिवाइस के बारे में क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और पहली बार मिस्टर ग्रोथ चैनल की इस वीडियो को देख रहे हो तो साथ में क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इस तरह की जो भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं वो वीडियो आपकी मिस ना हो। और हम जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।